यूपी में क्या समीकरण बनने हैं, किसकी सरकार बनाओगे इस बार? भाजपा छोड़ करके किसी की भी बन जाए। क्यों, भाजपा से क्या दुश्मनी? भाजपा से तो इतना बड़ा दुश्मनी है कि आज तक जो आज़ादी के बाद में लूट हुआ उनमें भी है, लेकिन जो कुछ बनाए थे वो सबको बेच दिया। नाम बदल तो रहे हैं सब चीज का। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? विकास हो रहा। क्या विकास हो गया? मुगल सराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया तो हाँ, तो उसका क्या चीज बदल गया है? स्टेशन पूरब से पश्चिम तो नहीं हो गया, गंगा उस पार था उस पार ही है। तो योगी जी के काम से खुश नहीं हो? योगी जी ने क्या काम किया है? योगी जी ने एक ही काम यही किया है, हैं, कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको लुटेरे बना दिया है, उनको लुटेरा बना दिया है, हाँ, कि लूटो खाओ हमको जिताओ। ये क्या हुआ है पंचायती चुनाव में? वही तो हुआ है। जनता क्या सोच रही है यूपी की? आप भी अरे जितनी मर्जी धदलियां कर लें, वक्त आ रहा है, हाँ, बहुत नजदीक है जो योगी जी, हाँ, जनता अपने आप वोट की चोट दे करके सिखा देगी। शंभू जी, फिर से शुरुआत हो गई है जो गोमती रिवर फ्रंट है जो लखनऊ में बनाया गया था अखिलेश सरकार के द्वारा, उसमें एक भ्रष्टाचार सामने आ गया है। अरे भाई, इनका राज है, ये तो चाहेंगे कि मुलायम अखिलेश और ये शिवपाल ये सब अंदर हो जाएं, हाँ, ताकि आगे इलेक्शन है, हम अपना आराम से जीते इलेक्शन। तो आपने चाहते जो घोटाले में उजागर हो, वो उजागर हो, पहले भाजपा वालों को ऐसे जुजराट कर दो। हम सबसे पहले यही कहता हूँ कि ये मोदी सरकार ने जो 5 करोड़ रुपया हर एक सांसद को दिया है साल का दिया है, हाँ, ये सब पहले अपने सांसदों का ही जांच करा ले कि वो 5 करोड़ रुपया किस गांव में लगाए हैं, क्या विकास किए हैं क्षेत्र का। किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? आपको क्या चाहिए? हाँ, हमको या क्या चाहिए? जो ये तीनों काला कानून वापसी में हमारा समर्थन दे, हमारा समर्थन देगा, और राज्य में MSP पे गारंटी देगा, उसकी सरकारें बनेंगी। अगर BJP ने दे दी तो फिर दोगे? नहीं, BJP को तो किसी हालत में, क्योंकि ये झूठी तो वही करेगी। नहीं नहीं, झूठे वादे करने वालों को देख लिया, 15 करोड़ रुपया किसके खाते में आया? GST लगाए, GST जिस समय इन्होंने लगाए उस समय जो 25 रुपया की चीज थी वो 40 रुपया की हो गई। हवा कैसे चल रही है यूपी में? हवा किस तरफ है? हवा का तो रुख तो शुरू से चल रही है कि कब आ जाए 22 और योगी को भगा में। और जिला अध्यक्ष तो इनके ज्यादा बने BJP वालों के? जिला अध्यक्ष बन गए भाई, जिला अध्यक्ष बन गए बेचोरी से, बेमानी से, हेरा फेरी से, लूट से, DMSP खरीद करके बने। किसान मुद्दा रहेगा यूपी चुनाव में? किसान मुद्दा तो हमेशा रहेगा, हाँ, यूपी चुनाव हो चाहे दिल्ली चुनाव हो, सब में रहेगा। किसान है मुद्दा नहीं, इन गरीबों का भी मुद्दा चलेगा, जो कि आज 60% मजदूरों की नौकरियां ये खा गए हैं। जितनी छोटी मोटी व्यापारी थे जो अपनी छोटी मोटी फैक्ट्रियां चलाते थे, वो आज सारी बंद हो गई इनके कोरोना में। तो योगी जी अच्छे नहीं है क्या? अरे नहीं, योगी जी अच्छे हैं, न मोदी जी अच्छे हैं, हाँ, मोदी सरकार ही अच्छी है, भाजपा सरकार तो है नहीं, ये तो मोदी सरकार है ना, हाँ, कि हाय भाजपा का कोई नाम ले रहा है, हाँ, खाली मोदी मोदी घर हर मोदी घर घर मोदी। तो कह रहे हैं अपराध मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश? अरे उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त नहीं कर दिया, हाँ, अपराध अपना ये जो अपने संसद विधायकों का है, अपराध छिपाने के लिए विकास दुबे को मरवा डाला। अच्छा जी, हाँ, और वो भी तो हत्यारा था उनका, हत्यारों का हत्यारा था वो, पुलिस वालों को मारा था, हाँ, पुलिस वाले कम है, हाँ, थाने पर चल जाओ रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। पर लोग तो कह रहे हैं योगी जी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। अरे योगी जी सपना भूल जाए अब कभी भी, हाँ, अब मौर्य कह रहे 300+ जाएंगे इस बार। अरे केशव प्रसाद मौर्य तो वहाँ भी कह रहे थे कि बंगाल में भी कह रहे थे, दिल्ली में भी कह रहे थे केजरीवाल के खिलाफ में, हाँ, केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, नड्डा, ये सबके सब तो चिल्ला रहे थे। हाँ? BJP को हराने का क्या फॉर्मूला आपके पास? बस हम लोगों का यही फॉर्मूला है, गांव गांव घर घर हर एक जनता के पास जाएंगे, हाँ, जब आचार संहिता लग जाएगा तो हम लोगों का काम यहाँ पर बहुत कम आदमी रहेंगे, सब गांव गांव में घूमेंगे और हर घर में जगाएंगे, भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ। मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग मुसलमानों को भगाने की बात करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि जबकि हमारा बंटवारा हो गया, दो भाइयों में जो बंटवारा हो जाता है,
तो ये तो नहीं कहता है बाप दोनों को देने के की बाद में कि हाँ छोटे वाला में बड़े वाला तू ले जाए अलग हो जा, छोटे वाला में ये तू इधर हो जा आए, और बाप छोटे वाले में हो गए माँ बाप, और तो उसको भी कह दिया कि नहीं बेटा तू भी आके इधर में रहो, जमीन दूसरे की देते। योगी जी का कोई खराब काम बताइए जो आपको अच्छा नहीं लगा। जोगी जी का मैं पूछ रहा हूँ कि जोगी जी ये बता दे कि कौन सा अच्छा काम किए हैं। अभी जब ये बीमारी चली थी डॉक्टरों अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, गांव में जितने अस्पताल खाली पड़े थे हैं, और जो भी मरीज जाए सब जाते हैं कोरोना में, जिसको बुखार भी हुआ है वो भी कोरोना मरीज। आपकी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं, जो मुलायम और अखिलेश मायावती ने बनाए थे वो भी गड्ढा हो गई। हाँ, क्योंकि ये खाली नाम के सड़कें बनी है, नाम की लाइटरिंग बनी है। अच्छा। नहीं तो योगी जी से मैं पूछ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, दूसरे का तो नहीं, हमारे ही जिला गाजीपुर के अंदर योगी जी दिखा दे कि किस गांव में लाइटरिंग बनी है और किस गांव में सड़कें बनी है। योगी जी का कितना परसेंट है कि आएंगे दोबारा वो सब? 100% में ना, हाँ 100% योगी जी जाएंगे। अगर वोट मांगने प्रधानमंत्री जी आएंगे दोगे? अरे बंगाल में भी तो प्रधानमंत्री मांगे, योगी मांगे, अमित शाह मांगे, हाँ कौन नहीं गया था, सारे दिग्गज तो गए थे, किराए के टट्टू लाख लाख दो दो लाख की भीड़ जुटी हुई थी, फिर भी बंगाल में फतेह नहीं कर पाए, हाँ तो यूपी में क्या कर पाएंगे? आपने रणनीति क्या आपके पास हराने की बीजेपी को? हाँ ये रणनीति ये नहीं दिख रही है कि सड़क 7-8 महीना से रोड पे बैठे हैं, जनता रोड पे बैठी है, किसान और पंजाब से बिहार तक पैदल चली है जनता, बिहार से पैदल जनता पहुंची है। अरे उनको लॉकडाउन लगाना था, एक हफ्ता पहले कह देते, ट्रेनें फ्री कर देते, सब अपने अपने घर पहुंच जाता, तब लॉकडाउन लगाते। गलती हुई है सरकार से? गलती नहीं, ये सरकार नहीं है और? हाँ ये तो अडानी अंबानी की सरकार है, मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं। भाजपा की सरकार होते तो आज प्रधानमंत्री आडवाणी जी होते। अच्छा जी, हाँ मोदी जी से क्या कहोगे? हाँ मोदी जी से तो मैं कह रहा हूँ यही कहूँगा कि मोदी जी इस्तीफा दे और जा करके फिर उसी स्टेशन पे चाह बेचो। अरे योगी जी? हाँ योगी जी अपना मंदिर संभाले। कौन सा? हाँ हाँ अरे गोरखनाथ मंदिर। अच्छा। हाँ वो अपना मंदिर संभाले, अपने पुजारियों को संभाले, उनके चाय पानी और खाने पीने की व्यवस्था बनावे। अरे तो 4 साल से आपकी सरकार है, अगर गोमती रिवर फ्रंट में कोई घोटाला था 4.5 साल पहले से, तब आपको वो घोटाला नहीं समझ में आ रहा था, अब चुनाव आने वाला है तो घोटाला दिखने लगा। 4.5 साल थे आपके पास, अगर आज आप घोटाले के लिए जाँच करने जा रहे हो तो अगर आपकी सरकार चली जाएगी तो कौन जाँच करेगा? अगर इतना ही शौक था किसी को जाँच करके कटघरे में ले जाने का या सजा दिलवाने का या घोटाले के बारे में पता करने का, तो जब सरकार आई थी तब इसकी जांच करवाते। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बताना चाहते हैं, कोई भी जो है इसमें तथ्य नहीं है। गोमती रिवर फ्रंट जैसी चीजें तो हमारे देश में बनने एक सौभाग्य की बात है, उस सरकार ने ऐसा कार्य करके दिखाया था कि लोग आज वहां सैकड़ों की तादाद में रोज शाम को वहां जाते हैं और आराम से जो है एक सुकून के पल वहां बिताते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है झूठा एक प्रसंग है, नाटक रचा जा रहा है ताकि नाम खराब हो, बदनामी हो और कुछ भी नहीं है।